उसमें स्टार्क जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर आठ सवा आठ रन पे जा रहा है इसका मतलब है इज डेफिनेटली ऑफ कलर एंड इफ यू कंपेयर इम विद्रेंड हैज बीन गुड एज एवर भी इनकी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं yeah. uh, बहुत कम इन्होंने uh, रन दिए अभी तक नाउ यू नो मूविंग टू द स्पिन डिपार्टमेंट और मैं एक कॉन्टेस्ट बहुत देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो है एस सोडी वर्सेज डेविड वॉर्नर लेफ्ट हैंडर एस सोडी अब क्या जो है वो इस बार गुर अपनाएंगे एंड ही इज अगेंस्ट एडम जैम्पा एज जम्पा छः मैचेस में बारह विकेट गो के पिछले मैच में सिर्फ एक ही विकेट ले सके आई गेस बट की विकेट और कम तो है विकेट भी उन्होंने कम ली तो एक बड़ा इवेंड किस्म का स्पिन डिपार्टमेंट है दोनों के पास हाँ बट आई आई एडवांटेज आई थिंक इन कंडीशन को जैम्पा बेहतर uh, इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जिस तरह हमने के केस में देखा है फैसल बैट्समैन किस बॉलर को रिस्पेक्ट दे रहा है वो एक बॉलर को पिक कर रहे हैं हर टीम में कि यार कुछ भी हो जाएगा मैं इसको विकेट नहीं दूंगा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में उन्होंने हसन को टारगेट किया था इसी वजह से हसन पे काफ़ी रनस पड़े सिमिलरली अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग देखते पाकिस्तान ने जैम्पा पे रिस्क नहीं लिया आखिर तक लेकर गए वो एक आई वुड से एक आखिरी आखिरी डिलीवरी थी उनके स्पेल की स्पेल की जिसपे उन्होंने जो है वो कैश दे दिया था अदरवाइज एम्पा वुड हैव गॉन अगेंस्ट पाकिस्तान मुजीब की तरह जो ट्रीटमेंट जो मुजीब को दी थी पाकिस्तान ने कि यार कुछ भी हो जाए इसको विकेट नहीं देनी है अगेंस्ट इच सोधी वट आई नोटिस इज दैट टीम्स आर चार्जिंग उसके खिलाफ वो रन ले रहे हैं बिकॉज मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत ये इस सोदी थोड़ा सा बॉल को जो है वो शॉर्ट रख रहे हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है मौका मिल रहा है बैट्समैन को उनको चार्ज करने को उनको पुल करने को सो so, मैं यही कहूँगा कि अगर इन दोनों के दरमियान कंपैरिज़न किया जाए इवन दो कंडीशंस बहुत कुछ डिपेंड करेंगी इनमें बाद में सेकंड इनिंग में कौन बॉलिंग करता है बट आई सी जैम्पा हैविंग एन एडवांटेज अगेन